केयर वर्कर बनिए। जी हाँ, केयर वर्कर बनिए। केयर वर्कर जिसका मतलब है केयर करना, संभालना, और वर्कर का मतलब होता है काम करना। काम को वर्क कहते हैं, संभाल कर काम करना, मदद संभल कर काम करना। केयर वर्कर जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सिंग होम में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, वो होते हैं नर्स के असिस्टेंट। हॉस्पिटल में काम करना, फार्मेसी में काम करना, वार्ड्स में काम करना, केयर वर्कर्स का काम क्या है? नैपी चेंज करना, मेडिसिन में असिस्ट करवाना, खाने में असिस्ट करवाना, और नर्सिंग होम में बुज़ुर्गों की खिदमत करना। सो केयर वर्कर का काम बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ी ही अच्छी अर्निंग है। माल्टा यूरोप में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। आपको लाजमी आपको ये ही इज़ माई फ्रेंड। हेलो फ्रांस, हाउ आर यू? वेरी गुड, ओके। सो केयर वर्कर का काम बहुत ही अच्छा काम है, दिलचस्प काम है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि आप इस काम को चूज़ कीजिए और अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाइए। सो मेरा नाम है ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी डिटेल आया हूँ आज केयर वर्कर के ऊपर, जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगी। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा मुस्तकबिल बने और छाँव के नीचे, एक छत के नीचे रह कर काम करें, क्योंकि कुछ लोगों को फील्ड वर्क नहीं पसंद, धूप नहीं पसंद, सो वो एक छत के नीचे रह कर काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान ज़बरदस्त काम है। आप यहाँ पर आके केयर वर्कर की ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग है, ओनली 6 मंथ, और अर्निंग ज़बरदस्त। 6 मंथ यहाँ पर आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप जॉब सर्च करेंगे। ज़्यादातर जॉब्स जहाँ से ट्रेनिंग करते हैं वही जॉब्स आपको दे देते हैं। तो ये जॉब्स आपके लिए बड़ी अहम है और बड़ा ज़बरदस्त जॉब का मौका है। केयर वर्कर की जॉब्स को मिस मत कीजिएगा। ये केयर वर्कर दुनिया में हर जगह ज़बरदस्त काम करते हैं और अच्छी अर्निंग करते हैं, क्योंकि मेडिकल में जितने भी शोबे हैं वो फर्स्ट लाइन पर होते हैं, रिस्क लाइन पर होते हैं। सो इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, इनके बेनिफिट्स भी अच्छे होते हैं, और ये हमारे और यो स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेश, इन सब के लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फ्यूचर बनाने के लिए ये बहुत अच्छी है। सो अगर आपने नर्सिंग नहीं की हुई और अब आप मेडिकल में आना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं मेडिकल में आना चाहते हैं, तो केयर वर्कर की ट्रेनिंग करके आप मेडिकल में आ सकते हैं और अच्छा काम कमा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर देखा है माल्टा में जिन लोगों ने केयर वर्कर की जॉब्स की हुई है और जॉब कर रहे हैं, वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, और अपने वो जो वालदैन हैं, जो फैमिली हैं, उनको भी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये 1 आवर के 5 to 7 euro आराम से देते हैं। सो अगर इसको कैलकुलेट करें, 40-40 आवर्स पर वीक इन्होंने काम करना होता है। सो अगर इन सब तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके महाना सैलरी बने तो वो 900 से 1000 और कभी 1200 भी बनती है। सो हमारी कंट्रीज में ये सैलरी बड़ी ही ज़बरदस्त अर्निंग कहलाती है एक गरीब आदमी के लिए, वरना तो पैसे जितने भी हों बहुत ही कम है, सबके लिए कम है, मेरे लिए भी कम है, आपके लिए भी कम ही होंगे, क्यों भाई, कम है ना। सो ये अर्निंग जो है ये हमारे लिए, अगर अल्लाह ताला का शुक्र करके इसको देखेंगे, तो ये अर्निंग हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है। जो पाकिस्तानी रुपयों में हम कह सकते हैं कि 160 बनती होगी, 1,60,000 बनती होगी, अगर इंडियन में देखें तो 1,00,000 बनती होगी। इसी तरह तमाम कंट्रीज अपने करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेरे कहने का मकसद ये था कि आप अगर यूरोप में आना चाहते हैं, मैं रहता हूँ माल्टा में, मैं यहाँ की इंफॉर्मेशन लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेशन लाऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं कोशिश करता हूँ दूसरी यूरोपियन कंट्री की इंफॉर्मेशन ना लाऊं, क्योंकि उनके बारे में इतना नहीं पता होगा, क्योंकि आप माल्टा में नहीं आए तो आपको माल्टा के बारे में नहीं पता। इसलिए मैं किसी और कंट्री में रहने के लिए तो नहीं गया या रहता तो नहीं हूँ, इसलिए मैं उन कंट्रीज़ की मालूमत नहीं लाता। मैं देखता हूँ बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे लोग जो कि वीडियो पूरे यूरोप पे बना रहे होते हैं, पूरी दुनिया पे बना रहे होते हैं। सो आप बना सकते हैं, ठीक है, हर एक का काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ पर आप मौजूद हैं अगर आप वहाँ की मालूमत दें, वहाँ के बारे में बताएं, तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ हर बात 100% प्योर और 100%
सच्चाई की बुनियाद पर लाऊं, क्योंकि मैंने देखे हुए यहाँ पे केयर वर्कर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों के हिसाब से जो कि वहाँ से आए हैं एज अ क्लीनर, एज अ डिश वॉशर या किसी भी जॉब में हेल्पिंग की, यहाँ पे आकर ट्रेनिंग की केयर वर्कर की, उसके बाद केयर वर्कर की जॉब्स कर रहे हैं। केयर वर्कर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। सो यहाँ की गवर्नमेंट भी मौका देती है हर इंसान को, हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट है। मैं किसी भी काम को बुरा नहीं कहता, क्योंकि काम होता है काम, काम काम होता है, ये हमारी सोच है, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। सो इस सोच को ख़त्म कीजिए, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस सोच को ख़त्म कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, किसी भी काम में आइए, नियत से काम कीजिए। वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो कि हमारे भाई कहते हैं या हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि काम काम होता है, काम करो चम ना करो। सो प्लीज़ आप तमाम दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, काम करें चम ना करें। सो मैं उम्मीद रखता हूँ आप दोस्त काम करेंगे और दिल लगा के काम करेंगे और दिन रात काम करेंगे। सो हमें तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं समझता हूँ आज की वीडियो का इख्तिताम करूँ, आज की वीडियो का मकसद था आप लोगों को प्रमोट करना और आप लोगों को बताना कि माल्टा में आकर आप क्या कर सकते हैं और ये अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। सो बराए मेहरबानी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, बेल के आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो को देखे वो इससे फ़ायदा उठा सके। सो मैं समझता हूँ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँ, मैं कल एक नई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा, एक नया आइडिया, एक नया मशवरा, जब तक कोरोना वायरस ख़त्म होगा और वर्क परमिट शुरू होंगे मैं आपको तमाम आइडिया देता रहूँगा, उसके बाद हम वर्क परमिट में लग जाएंगे। सो आइडियाज़ को, वीडियोज़ को देखा करें, जो आपको पसंद हो आप उस फील्ड में जाइए, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सो ज़बरदस्ती किसी फील्ड में नहीं जाना, अपनी मर्ज़ी से जाना है। सो मैं टाइम आ चुका है कि मैं आपको कहूँ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे।